IEEE स्पेक्ट्रम के कैलकुलेशंस के अनुसार 45% प्रोबेबिलिटी है कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स आने वाले दिनों में किसी न किसी के लिए घातक दुर्घटना या जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्योंकि हाल ही में इलॉन मस्क ने जो 21 मिनी V2 स्टारलिंग सैटेलाइट्स अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट्स में भेजे थे वो अर्थ पर गिरना शुरू हो गए। इनफैक्ट उसमें से एक सैटेलाइट ऑलरेडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एस्टेरॉइड की तरह जलकर राख हो चुका है और बाकी के 14 सैटेलाइट्स भी उसी रास्ते पर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी इलॉन मस्क ने 2022 में 49 स्टारलिंग सैटेलाइट्स भेजे थे और उसमें से 40 सैटेलाइट्स नीचे गिर गए। 2019 से लेकर अब तक स्टारलिंग के 305 सैटेलाइट्स नीचे गिर चुके हैं। अभी ऑब्वियस है कि अगर पिछले कई सालों से सेम एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं तो हो ना हो इसके पीछे कोई तो डेफिनेट टेक्निकल फॉल्ट जरूर होगा जिसे इलॉन मस्क को सॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यानी पॉसिबली इसके पीछे और भी कई मेजर रीजंस हो सकते हैं जो इलॉन मस्क पब्लिकली रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर सैटेलाइट्स गिर क्यों रहे हैं और क्यों इसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। सो बेसिकली US मिलिट्री ने इन सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्चुलाइजेशन कोल्ड वॉर के दौरान कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस और डिफेंस के लिए स्टार वॉर्स प्रोग्राम के तहत किया था। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, USSR को स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1991 आते आते पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से USSR टुकड़ों में बट गया, एज यू ऑल नो। यानी अब क्योंकि US का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था और साथ ही US की जनता शुरुआत से लगातार इस प्रोग्राम को क्रिटिसाइज कर रही थी बिकॉज इतना मैसिव बजट अलॉट हो रहा था और US में वो बजट दूसरी चीजों में यूज होना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1993 में इस पूरे प्रोग्राम को ही रद्द कर दिया। अंटिल ऑफकोर्स ऑलमोस्ट 22 ईयर्स बाद 2015 में मस्क ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का तय किया, लेकिन इस बार एक नए मकसद के साथ, by the name Starlink Satellite Constellation। मस्क ने ये कहा कि इस प्रोजेक्ट का काम मिलिट्री या डिफेंस पर्पस के लिए नहीं होगा बल्कि रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने के लिए होगा, क्योंकि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन और यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन के पास और खास करके रूरल एरियाज में प्रॉपर इंटरनेट नहीं है। और प्रॉपर इंटरनेट से यहां पर उनका मतलब था जिसकी मिनिमम डाउनलोड स्पीड एटलीस्ट 25 Mbps और अपलोड स्पीड 3 Mbps हो। इसके जरिए इंटरनेट के सबसे डिमांडिंग टास्क लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और ऑनलाइन गेमिंग भी किया जा सके। अब क्योंकि रूरल एरियाज में कच्ची सड़कें होती है और इसीलिए वहां पर इंटरनेट ऑप्टिकल केबल वायर्स का नेटवर्क फैलाना बहुत ही पेचीदा और महंगा पड़ता है। सो मस्क ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और उसके अंतर्गत 2019 से लेकर अब तक वो हर महीने अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 सैटेलाइट्स का बैच कंटिन्यूअसली स्पेस में भेज रहा है जो एक दूसरे से एक लेजर के जरिए कनेक्टेड है और इसकी वजह से वो अर्थ से देखने पर एक कॉन्स्टिलेशन की तरह दिखाई देता है। अब अगर देखा जाए तो ये सैटेलाइट्स भी ना वही काम कर रहे हैं जो हमारे कन्वेंशनल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स करते हैं, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो उन सैटेलाइट्स में नहीं है? तो देखो, जियोसिंक्रोनस जियो सैटेलाइट्स अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर रिवॉल्व करते हैं जबकि स्टारलिंग सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट्स हैं जो 160 से 2,000 किलोमीटर के रेंज में रिवॉल्व करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जियो सैटेलाइट्स के दूर होने का एक फायदा है, वो LEO स्टारलिंग सैटेलाइट के मुकाबले बहुत सारे यूजर्स को एक साथ इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इससे जियो सैटेलाइट का इंटरनेट बैंडविड्थ ज्यादा लोगों में बट तो जाता है, बट एज अ कोलैटरल इफेक्ट इंटरनेट स्पीड काफी स्लो हो जाती है जिसकी वजह से जियो सैटेलाइट को डेटा ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, विच मींस इसकी लेटेंसी काफी ज्यादा है। अब अगर लेटेंसी और स्पीड को साइड में रखें तो इसका सेटअप काफी इजी होता है, बस इस पिज्जा साइज के एंटेना को आपको अपने छत पर लगाना होता है, उसके बाद ये खुद अपने आप सैटेलाइट को ट्रैक करके इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट मस्क ने तो ये तक दावा किया है कि उनकी सैटेलाइट्स में ऑटो डॉच का भी फीचर मौजूद है, मतलब अगर उनकी स्टारलिंग ट्रेन में से एक सैटेलाइट भी अगर मैलफंक्शन करती है तो बाकी के सैटेलाइट्स उससे टकराने के बजाय बगल से ही निकल जाएंगे। अब अगर इसमें ऑटो डॉच जैसा ही एक हाई टेक फीचर है तो अपने आप को ऑर्बिट में क्यों नहीं रख पा रहा है? जब यही एग्जैक्ट सवाल लोगों ने इलॉन मस्क से पूछा तब उन्होंने स्टारलिंक की खामियां कवर अप करने के लिए कुछ और कहा, मगर हकीकत कुछ और कि SpaceX ने सैटेलाइट्स को ऐसे डिजाइन किया है कि जब उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है वो अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। इसके साथ उसने ये भी दावा किया कि उसके सैटेलाइट से किसी को चोट नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये अर्थ से टकराने के पहले एटमॉस्फेयर में ही जल जाएंगे। बट यहाँ पर बात थोड़ी सी हजम नहीं होती,
क्योंकि सैटेलाइट्स का टेन्योर तो 5 से 6 साल है, तो ये महीने 2 महीने के अंदर ही क्यों गिर रहे? ऑफ कोर्स यहाँ पर स्पेसएक्स के डिजाइन में कोई ना कोई फॉल्ट है। इनफैक्ट फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट्स के क्रैश होने की वजह तो साफ साफ स्पेसएक्स के इंजीनियर्स की लापरवाही थी। एक्चुअली हुआ यू कि इन सैटेलाइट्स के लॉन्च के कुछ दिन पहले सन पर एक कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, जिससे प्लाज्मा वेव्स जनरेट हुई। ये प्लाज्मा वेव्स में भी स्पेसएक्स सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकती थी, और इसीलिए स्पेसएक्स ने पैसिफिक ओशियन के आइलैंड्स पर स्थित नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA से रिपोर्ट मंगवाई। बट लकीली वो रिपोर्ट नेगेटिव आई, मतलब सैटेलाइट्स को कोई खतरा नहीं था। पर NOAA के रिपोर्ट को रिलायबल ना मान के स्पेसएक्स के साइंटिस्ट ने पर्सनल एनालिसिस किया और उन्हें भी सेम नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, और इसीलिए उन्होंने सैटेलाइट्स में कोई भी फेरबदल ना करते हुए उन्हें वैसे ही लॉन्च कर दिया। अब क्योंकि स्टारलिंक एक लियो सैटेलाइट है और ये अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में ऑर्बिट करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से पैदा हुए ड्रैग को ओवरकम कर सके। पर प्लाज्मा वेव्स की वजह से एटमॉस्फेरिक ड्रैग इंजीनियर्स के कैलकुलेशन से 50% ज्यादा निकला और सैटेलाइट्स एक एक करके पृथ्वी पर गिरने लगे। अब यहाँ पर ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या होता है, उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो नदी में 30 किलोमीटर पर आवर से एक नाव चल रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नदी का बहाव 20 किलोमीटर पर आवर का है, तो नाव एक्चुअल में सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर नदी में बाढ़ आ गई और उसकी स्पीड 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो नाव नदी के साथ बहने लग जाएगी। और सैटेलाइट्स के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। प्लाज्मा वेव्स और उससे बड़े ड्रैग की वजह से वो डी ऑर्बिट होकर नीचे गिरने लग गए। और अब अगर रही बात हाल ही में क्रैश हुए मिनी V2 सैटेलाइट की, तो उसके पीछे का रीजन है टेक्निकल प्रॉब्लम, जिन्हें समझकर अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के बजाय इलॉन मस्क ने अपने सैटेलाइट की क्वांटिटी को बढ़ाने के बारे में सोचा है। अब आई नो ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंटुइटिव लग रहा होगा, क्योंकि अगर क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कम सैटेलाइट्स में भी काम हो सकता है और क्वांटिटी बढ़ाने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। सो अब सवाल ये उठता है कि इलॉन मस्क के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वेल, आप मानोगे नहीं, बट इलॉन मस्क जो गलतियां कर रहे हैं, बात ये है ना, उन गलतियों में ज्यादा प्रॉफिट है। SpaceX CEO ग्वेन शॉर्टवेल के हिसाब से हर एक स्टारलिंक सैटेलाइट का टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्चिंग कॉस्ट $500,000 से भी कम है, और सिंगल सैटेलाइट 20 GBPS की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। अब वहीं पर अगर स्टारलिंक के पर मंथ इंटरनेट प्लान की बात करें तो ये $120 में 20 से 100 MBPS की स्पीड प्रोवाइड करता है। तो एवरेज स्पीड पर पर्सन अगर 50 MBPS भी कंसिडर करें तो एक सैटेलाइट 400 यूजर्स को आराम से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, यानी एक सैटेलाइट का एनुअल इनकम होगा $576,000, जिसका मतलब एक सैटेलाइट अपना कॉस्ट प्राइस एक ही साल में कवर कर लेगा। पर सैटेलाइट का टेन्योर 5 साल है, तो बाकी के 4 साल वो 400% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करेगा। और यहाँ पर तो हमने बात सिर्फ एक ही सर्विस की है, यहाँ पर एक दूसरा सर्विस भी है जो ये सैटेलाइट प्रोवाइड करेगा, और वो है स्पाइंग। अगर आपको याद होगा तो इस प्रोग्राम का सबसे पहला पर्पस डिफेंस और सर्वेलेंस ही था, और शायद इसे ही छुपाने के लिए मस्क चीप और फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट का ढिंढोरा पीट रहा हो। और बाय द वे, ऐसा सिर्फ मुझे नहीं बल्कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी लगता है। उनके मुताबिक US स्टारलिंक को स्पाई वेपन की तरह भी यूज कर सकता है, और बिसाइड्स US स्टारलिंक के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनियन मिलिट्री रशिया यूक्रेन वॉर में कर रही है। यानी अगेन US वही कर रहा है जो उसने सोवियत दौर में किया था, रशिया की हर चाल पर नजर रखना। इन शॉर्ट, जरूरत पड़ने पर US स्टारलिंक की मदद से अपना जियोपॉलिटिकल एजेंडा भी पूरा कर सकता है, और इसीलिए चाइना भी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की रेस में अब दौड़ लगाने वाला है, और आने वाले दिनों में 13,000 LEO इंटरनेट सैटेलाइट्स स्टारलिंक के टक्कर में भेजने वाला है। अब अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केसलर इफेक्ट की वजह से स्पेस मिशंस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस फिनोमिनान के अनुसार जैसे जैसे सैटेलाइट्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सैटेलाइट्स के आपस में टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और उस टकराव से शुरू होगा कोलिजनल कैस्केडिंग इफेक्ट। आसान भाषा में सैटेलाइट कोलिजन्स का एक चेन रिएक्शन। इससे डस्ट क्लाउड्स बनेंगे जो एस्ट्रोनॉमर्स को कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, स्टार्स, ब्लैक होल्स एक्सेट्रा को ऑब्जर्व करने में डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा सैटेलाइट्स के जले हुए मलबे भारी मात्रा में अर्थ की लो ऑर्बिट्स में घूमने लगेंगे, जिससे हमारे लिए स्पेस मिशंस को सही तरीके से अंजाम देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मलबे अक्सर उनसे टकराकर उन मिशंस पर पानी फेर देंगे।
अब इसे रोकने के सिर्फ दो उपाय है। पहला, यूनोसा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स और FCC जैसी बॉडीज को सैटेलाइट के लिमिटेड लॉन्च से रिलेटेड रूल्स पास करने चाहिए, जिससे केसलर इफेक्ट की कभी नौबत ही नहीं आए। और दूसरा, स्पेस वेदर के फ्लक्चुएशन और प्लाज्मा वेव्स को अच्छे से स्टडी किया जाए, जिससे सैटेलाइट के मैलफंक्शनिंग और डैमेज को मिनिमम किया जा सके। इनफैक्ट नासा ने तो बहुत पहले ही प्लाज्मा वेव्स को स्टडी करने के लिए एक प्रोब को भी लॉन्च कर दिया था, जो सन को टच करके वापस लौट भी आ चुका है, बहुत सारे सन के मिस्ट्रीज से पर्दा फाश करके। इस पर काफी डिटेल में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको चेकआउट करना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि आप की क्यूरियोसिटी को जगाएगा और आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।